हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डेली व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया हमने, क्योंकि कल कैंपिंग में रात को हम ढंग से सोए नहीं थे और ना सोने की वजह से दिन में नींद आ रही थी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, हम लेट उठ रहे हैं बहुत काफ़ी, और व्लॉग अभी डेली वाला आज अभी शुरू हो रहा है इस टाइम। सो नो वरीज, नहीं से तो देर बनी। मेरे से एक गलती हो गई है, मैं शिमला से ट्राईपॉड नहीं लेके आया अपना, और मुझे अपना ट्राईपॉड की ज़रूरत फील हो रही है बहुत ज़्यादा। ट्राईपॉड की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मुझे अगर सोलो व्लॉगिंग करनी हो, मतलब मेरे साथ कोई चले ना और मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है मुझे अपने लिए शॉट्स लेने में। बाय द वे, मैं गाय को पानी पिला रहा हूँ, रोज का टाइम होता है। मैं बना रही हूँ खट्टा। खट्टा जिसको नहीं पता, तो वो एक खट्टी सब्जी होती है जिसमें आलू या चने, खट्टा किसी भी चीज का हो सकता है बेसिकली, खट्टा सॉरी आलू चने वगैरह वगैरह। आज गाइस सब्जी भी खट्टे की होने वाली है और वैसे भी खट्टा बना है। खट्टा एक वो बड़ा सा फ्रूट होता है, नींबू जैसा होता है। अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, उसको काटते हैं, उसमें मिर्च डालते हैं, शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और उसको खाते हैं फिर चटाके लगा के। घमरेड़ी, हाँ क्या खुशबू आ रही है। ओहो, ये वो होता है कोई सिट्रस है ना? सिट्रस बड़ा सा फ्रूट होता है ना, और उससे बनता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। सो ये है खट्टा, देखो इसमें नींबू जैसे बीज हुई है। और ये वाह, बहुत अच्छा होता है ये खट्टा। इसमें गुड़ डालते हैं मीठे में ताकि एक बैलेंस सा बन जाए, मिर्ची मसाले, बहुत टेस्टी। तो सब जगह बड़ा फेमस है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे ना इतना खाया जाता है, इतना खाया जाता है। और फिर इसमें एक वो चीज़ भी करते हैं, स्मोकी फ्लेवर होता है ना, उसके लिए कोयला लेते हैं गर्मा गर्म, उसमें कड़वा तेल डालते हैं और इसके अंदर डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, पर सब स्मोकी फ्लेवर आता है, पर वो हमने किया नहीं है क्योंकि हम आलसी हैं। इसमें चटनी भी डाली है और वो चटनी बनी है गुड़ से, मिर्ची से और चीनी से और धनिया से, है ना? बहुत स्पाइसी होता है, बहुत यम्मी। सो अभी हर्षिता खट्टे की डिश बना रही है, हमने पहले खट्टा खाया, अभी डिश है। हाँ, और इसको बनाने का कोई रेसिपी नहीं होती, ये एक अंदर से मेरे को आवाज आती है कि ये डाल अब इसमें, ये डाल और वो भी डाल, तो मैं वैसे वैसे डालती हूँ। तो उसके लिए रेसिपी बना रही है, उसकी कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं है, ये खुद से बना रही है कुछ भी। तो मैं क्या रेसिपी बताऊँ तुम्हें, इसके बाद ये डालते हैं, इसके बाद ये डालते हैं। अभी मैं आपको बनाना चाहूँगी ओटन। ओटन क्या होता है कि
जो ग्रेवी उसको थिक करने के लिए करते हैं। अब हमने चावल का आटा लेना है, उसमें उसको पानी में करना है और फिर उसको कर देना है पेस्ट बना के, और फिर उसको इसमें से मिला लेना है। उससे क्या होगा कि जब इसकी ग्रेवी मतलब पानी डालेंगे ना तो उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक थिक बनती है। थिक ग्रेवी सबको पसंद होती है, पानी पसंद नहीं है। मुझे मुझे सब्जी में पानी अलग अलग जो रहता है किसको पसंद है, मुझे पर्सनली पानी पानी पसंद नहीं। इसका ढक्कन खराब हो गया, इससे सीटी निकल रही है। सॉरी सीटी नहीं, स्टीम सॉरी। अब इतना सुन लेंगे ठीक है। ये चावल का आटा और इसमें लम्स नहीं बने इसलिए अच्छे से हिलाना होता है, मिलाना होता है। बाकी बोलो।